दोस्तों पेट्रोल पंप पर यदि आपको देखे कुछ ऐसी गड़बड़ी तो तुरंत कर दें यहाँ शिकायत। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि पेट्रोल कम दिया जा रहा है या फिर पेट्रोल डीजल में कहीं ना कहीं कोई मिलावट की जा रही है, कोई मिट्टी का तेल मिलाया जा रहा है या फिर पानी मिलाया जा रहा है, तो या फिर कुछ ऐसी असुविधाओं का आपके लिए पेट्रोल पंप पर सामना करना पड़ रहा है, तो आपको तुरंत यहाँ इन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर देनी चाहिए पेट्रोल पंप के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे अधिकार हैं जिनको हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि पेट्रोल पंप पर आप कुछ असुविधाओं के सामना करना पड़ रहा है या कुछ मिलावट है, तो आप किस तरीके से उनकी शिकायत किस पेट्रोल की कर सकते हैं। यदि आप भारत से भरवाएं, रिलायंस से भरवाएं या फिर इंडियन ऑयल से भरवाएं, किसी भी पेट्रोल पंप से भरवाएं, तो उनकी शिकायत किस तरीके से कर सकते हैं, सबके अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं दोस्तों इस वीडियो में। कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। बता दें दोस्तों कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि पेट्रोल पंप के 11 अधिकार आपको ऐसे मिलते हैं जिन पर आपका हक होता ही है और आपको इन अधिकारों को मांगना बहुत जरूरी है। यदि आपको इन 11 में से कोई भी एक भी अधिकार नहीं मिलता तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही काम की वीडियो है और उसमें 11 अधिकार बताए गए हैं जो कि हमें पेट्रोल पंप पर मिलते हैं। इसी के साथ ही हमारे कई सारे भाइयों ने पूछा कि पेट्रोल पंप पर यदि हमें इन गिने से एक भी अधिकार नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत कैसे करें, कहां करें, इसी के साथ ही पेट्रोल की जांच कैसे की जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताएंगे कौन से पेट्रोल पंप की शिकायत कैसे और कहां करें, इसी के साथ ही पेट्रोल की जांच कैसे करें, ये पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों अगर पेट्रोल डीजल में पानी की मिलावट का शक हो तो बता दें कि पेट्रोल पंप पर उपलब्ध वाटर फाइटिंग पेस्ट यूज करें। ये आपके लिए कहीं मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल पंप पर ही उपलब्ध होता है और वाटर फाइटिंग पेस्ट का रंग हरा होता है। इस पेस्ट को टैंक से पेट्रोल डीजल नापने वाले रॉड के एक सिरे डीजल से भरा होता है, इसीलिए टैंक पर लगाकर टैंक की निचली सतह से टच करते हैं, क्योंकि पानी पेट्रोल की निचली सतह पर ही जमा होता है। रॉड के एक सिरे पर लगा पेस्ट पानी में सरपक में आते ही गुलाबी हो जाता है। अगर मिलावट कन्फर्म हो जाए तो पंप के मैनेजर ऑयल कंपनी से सूचित जरूर कर दें, एवं पेट्रोल में मिट्टी के तेल आदि की मिलावट आपको चेक करनी है तो सबसे आसान तरीका दोस्तों यह है कि फिल्टर पेपर टेस्ट का इस्तेमाल करें। और यह फिल्टर पेपर भी आपको कहीं मार्केट से लाने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह सुविधा भी पेट्रोल पंप पर ही उपलब्ध होती है। तो फिल्टर पेपर पर एक बूंद पेट्रोल नोजल से डालें, अगर 2 मिनट में पेट्रोल उड़ जाता है और कोई धब्बा नहीं उभरता है तो कोई मिलावट नहीं है, और पेट्रोल उड़ने के बाद अगर गुलाबी रंग के अलावा कोई और भी धब्बा रह जाता है तो मिलावट है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की मात्रा चेक करने के लिए पेट्रोल पंप पर 5 लीटर का यंत्र होना जरूरी है। इस पर राज्य सरकार के माप तौल विभाग की सील लगी होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि शक होने पर पेट्रोल डीजल की चेक कराने के लिए कह सकते हैं आप, और यदि उस माप तौल पर राज्य सरकार की कोई सील नहीं है तो उससे भी आप चेक नहीं करें, क्योंकि वह पेट्रोल पंप वाले अपने हिसाब से माप तौल बना देते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। तो आप सबसे पहले उस पर सील जरूर देख लें। इसी के साथ ही दोस्तों आपको पेट्रोल पंप यदि चेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसा पंप चुनें जहां ऑटो कट ऑफ नोजल हो। अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं और जैसे ही ऑटो कट ऑफ हो तुरंत सप्लाई को रोक दें। टैंक में जबरदस्ती तेल न डलवाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब अपनी गाड़ी की मीटर रीडिंग नोट कर लें, फिर कुछ दिन बाद फिर उसी पंप से ऑटो कट ऑफ टैंक फुल कराएं। मसलन इससे पिछले समय आपकी मीटर रीडिंग मान लीजिए कि 5000 थी और अब 5500 है। इस बार के ऑटो कट ऑफ में 30 लीटर तेल आया तो 500 को 30 से भाग करें, इससे आपकी गाड़ी का एवरेज 16.66 किलोमीटर आता है। तो इस तरह यही प्रक्रिया आपको दूसरे पेट्रोल पंप पर भी अजमानी चाहिए। तो जिसका एवरेज बेहतर आए वहीं से तेल डलवाएं, यानी कि इससे आपके लिए यह फायदा हो जाएगा कि पहले कम से कम 2 बार तो एक पेट्रोल पंप से डलवाएं तो उससे आपका गाड़ी का एवरेज निकलेगा। फिर इसी के साथ ही दो बार दूसरे पेट्रोल पंप से डलवाएं, फिर तीसरे पेट्रोल पंप से 2 बार डलवाएं, तो आपको ऐसे 3-4 पेट्रोल पंप से डलवाएंगे तो आपका एवरेज गाड़ी तुरंत ही बता देगी। तो एवरेज आपका जिस पेट्रोल पंप से ज्यादा निकलता है तो वहीं से आप डलवाएं, तो आपकी असुविधा नहीं होगी और आपकी गाड़ी अच्छी सर्विस भी देगी। तो अब इसी के साथ ही दोस्तों बात आती है हमारी कि कहां और कैसे करें शिकायत। अगर आपको पेट्रोल की क्वालिटी, सर्विस या फिर सेल्समैन के बर्ताव से संबंधित किसी भी पॉइंट पर दिक्कत आती है तो सबसे पहले पेट्रोल पंप मैनेजर से शिकायत करें या फिर कंप्लेंट बुक में लिखें। यदि बात फिर भी नहीं बनती है तो फिर इन तरीकों को आजमाना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले इंडियन ऑयल और IBP के पेट्रोल पंप से संबंधित। यदि आप इंडियन ऑयल और IBP पेट्रोल पंप से
पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो आपको यहाँ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। एक नंबर है 1800-233-555, यह हेल्पलाइन नंबर सातों दिन 2400 घंटे काम करती है। इसी के साथ ही आप खत लिखकर या फोन से यहाँ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एवं चीफ डिविजनल मैनेजर शिकायत रिटेल सेल्स डिविजनल दिल्ली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बावर रोड नई दिल्ली 11001, इसका फैक्स नंबर है 01123414861 और इसका एक फोन नंबर भी है 11234115445। ये इसकी इसी के साथ ही आप इंडियन ऑयल और IBP की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, यहाँ से आप इन नंबर को निकाल कर शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करनी है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आप दोस्तों यहाँ इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बार बार हम हेल्पलाइन नंबर नहीं बोलेंगे, सीधे आप वीडियो में देख सकते हैं और यही हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भारत पेट्रोलियम पर पेट्रोल डलवाते हैं या फिर डीजल डलवाते हैं या फिर वहां पर किसी असुविधा का आपको सामना करना पड़ता है, तो आप इन टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो में, यही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपने ये कॉन्टैक्ट नंबर भी देख लिए, हेल्पलाइन नंबर भी देख ली। इसी के साथ ही अगर आप ऑयल कंपनी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो पेट्रोलियम मंत्री या सचिव भारत सरकार को तो इस पते पर आप उनके लिए खत लिख सकते हैं। जन शिकायत पेट्रोलियम मंत्रालय G18 शास्त्री भवन नई दिल्ली 11001, यहाँ इस पते पर आप उनके लिए खत भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूर्ण रूप से आशा है कि संतुष्ट हो चुके होंगे कि यदि आप जिस पेट्रोल पंप से भरवाते हैं तो उसी की शिकायत कैसे और कहां करें, और आपके कुछ खास अधिकार हैं उनको भी आपने जान चुके हैं इस वीडियो में, और इसी के साथ ही पेट्रोल डीजल की जांच कैसे करें या पेट्रोल पंप की जांच कैसे करें तो यह भी समझ चुके हैं आप इस वीडियो में। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बता दें बात की कौन सी कंपनियां तेल देती है। जी हाँ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बता दें कि पब्लिक सेक्टर में चार तेल कंपनियां हैं, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और BPCL इंडियन ब्रिटिश पेट्रोलियम, और साथ ही IBP का अधिग्रहण इंडियन ऑयल ने कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ हम आशा करते हैं कि आप पूर्ण रूप से सभी जानकारी जुटा चुके हैं कि पेट्रोल पंप की जांच कैसे करें, पेट्रोल डीजल की जांच कैसे करें और पेट्रोल पंप वालों की शिकायत कैसे करें यदि कोई असुविधा होती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी हम यहाँ जुटा पाए हैं। अब इसी के साथ ही आपसे एक और अनुरोध ये करते हैं कि यदि आपको लगता है कि पेट्रोल पंप में गड़बड़ी है और आपने पहले जांच कर ली है तो ही आप शिकायत करें, अन्यथा बेफिजूल में किसी भी पेट्रोल पंप वाले की शिकायत मत कर देना। अन्यथा यदि पेट्रोल पंप वाले ने आपकी स्वयं की शिकायत कर दी तो आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि यदि आपकी कोई शिकायत करता है या फिर आपके नाम के ऊपर कोई कीचड़ उछालता है तो कितना बुरा लगता है। तो आप किसी को बेवजह अपमानित नहीं करें। यदि आपको लगता है कि गड़बड़ी है तो पहले खुद स्वयं जाकर उस पेट्रोल पंप पर उस पेट्रोल डीजल की जांच पड़ताल करें। आपको लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ गड़बड़ी है तो आप वहाँ के सेल्स मैनेजर से जाकर इसकी शिकायत दर्ज करें। हो सकता है कि पेट्रोल पंप पर दोस्तों बता दें कि सेल्स मैनेजर तो काम नहीं करता है, वहाँ की वर्कर्स करती है, लेबर करती है, तो वही उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको पहले सेल्स मैनेजर से शिकायत करनी चाहिए, इसके बाद कुछ दिन रुकना चाहिए कि क्या इसमें कोई सुधार आया है या नहीं, फिर जांच करें। इसके बाद यदि सुधार आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी के साथ ही कई सारे भाइयों के काम भी बन जाते हैं। और इसके बाद भी यदि कोई सुधार नहीं आता तो फिर आपको यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्योंकि फिर तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। जब हमने पूरी शिकायत कर दी, सब कुछ कार्रवाई कर ली, हमने प्यार से समझाने की कोशिश की, यही सामने वाला नहीं मानता है तो फिर तो हमें उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तो आप इन हेल्पलाइन की सहायता से अपनी उंगली को टेढ़ी कर सकते हैं और इनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों अब अंत में आपसे पूछते हैं कि वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। इसी के साथ ही ये खास जानकारी आपके लिए कितनी जरूरतमंद लगती है, क्या वाकई में ये जानकारी आपको लगता है कि हमारे काम की साबित हो सकती है या फिर है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए ताकि मुझे भी संतुष्टि हो सके कि जो भी जानकारी मैं इंटरनेट से जुटा कर लेकर आया हूँ तो उसमें मैंने अपनी क्या भूमिका निभाई है। दोस्तों यदि आप और भी इसी तरह खास महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डीटेक वर्ल्ड यूट्यूब परिवार से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और यदि आपने कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के इसमें शेयर करना नहीं भूल जाएं, ताकि वह भी जागरूक हो सके, सचेत हो सके।